हेलो, रंजीत सिंह बोल रहे हैं। तुमने जो क्रेडिट कार्ड लिया है, क्रेडिट कार्ड का पैसा अगर तुमने 7 दिन के अंदर में नहीं दिया तो तुम्हारे ऊपर वारंट इशू हो जाएगा। और अभी हम तुमको एक नंबर दे रहे हैं, तुम उस पर बातचीत जल्दी से कर लो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ वारंट इशू हो गया है और तुमको जेल हो जाएगी। तुम्हारे घर पे रिकवरी एजेंट जाएंगे और फिर तुम्हारे प्रॉपर्टी भी सील हो जाएगी। जल्दी से जल्दी तुमको पैसा पेमेंट करना है। तो दोस्तों, कुछ इसी तरीके से रिकवरी एजेंट्स आपको फोन करते हैं, या फिर बैंक का मैनेजर फोन करता है, या फिर कोई पुलिस वाला फोन करता है कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, रोहिणी थाने से बोल रहा हूँ, आपके खिलाफ वारंट आया है, आप जल्दी से जल्दी इस नंबर पे बात कर लीजिए, नहीं तो फिर आपके खिलाफ वारंट हम लेकर आएंगे घर पे, आपको गिरफ्तार करेंगे। तो इस तरीके की बातें, कॉल्स आपको आती हैं और आप डर जाते हैं। पहले तो बैंक का मैनेजर या फिर रिकवरी एजेंट आपको कहता है कि 7 दिन के अंदर में आप पैसा पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आपके घर पे वारंट आ जाएगा, पुलिस आपको जेल में डाल देगी, आपकी प्रॉपर्टी सील हो जाएगी। दूसरा फोन आता है कि वो कहता है कि मैं किसी दिल्ली के, किसी मुंबई के, किसी कोलकाता के थाने से बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, आपके नाम पे वारंट आ गया है, मैं आपको एक नंबर देता हूँ, उससे बात करिए, नहीं तो कल की डेट में हम आपके दरवाजे पे आएंगे, वारंट लेकर के आएंगे, आपको जेल हो जाएगी। इस तरीके के तमाम हथकंडे ये बैंक वाले अपनाते हैं और इसमें फिर आपको इतना डर लग जाता है कि आप तो कुछ पैसा पेमेंट कर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं ना कि डर के मारे पैसा पेमेंट कर दिया। तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि हम बैठे हैं यहाँ पे आपको सही गाइडेंस देने के लिए बैठे हैं। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे रिकवरी एजेंट के इन प्रकार के कॉल्स या फिर बैंक के द्वारा इस प्रकार के अमर्यादित इलीगल कॉल्स और ऐसे कॉल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जिस पर कि आपका क्या रिएक्शन होता है। दोस्तों देखिए, हम आपको बता दें कि सीधा सीधा ये जो वारंट आता है ना, ये वारंट सीधा नहीं आता है। मैंने आपको हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से, कभी बोर्ड के माध्यम से बताने की कोशिश की कि कभी भी किसी भी केस में डायरेक्ट वारंट नहीं आता है। जिस प्रकार से किसी एक बच्चे का जन्म होता है, उस प्रकार से उसके अलग अलग संस्कार होते हैं, उसी प्रकार से बच्चे का स्कूल में दाखिला हो जाता है। बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ और उसके स्कूल के दाखिले की बात हो रही है, यानी कि एडमिशन की बात हो रही है। कहने का मतलब ये है कि जब तक बैंक ने कोई केस नहीं किया, कोई भी मुकदमा कोर्ट में नहीं गया, कोई भी समन नहीं आया, डायरेक्ट वारंट आ गया। कभी भी कोई भी वारंट डायरेक्ट नहीं आता है। तो ये आपके मन में जो डर है कि आपके खिलाफ वारंट इशू हो जाएगा, तो डायरेक्ट वारंट नहीं होता है, पहले समन आता है, यानी कि ये समन है और ये वारंट है, पहले समन आएगा फिर वारंट आएगा। ऐसा नहीं कि पहले समन नहीं आए और डायरेक्ट वारंट आ जाए, तो वारंट नहीं आता है। कोर्ट आपको प्रोसीजर के हिसाब से, कानून के हिसाब से, नियम और कायदे के हिसाब से आपको समन भेजती है और उसके बाद वो वारंट आता है। इसमें आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मन से अपना डर निकाल दीजिए। 110% कह रहे हैं, गारंटी के साथ कह रहे हैं। अगर कोई इसको कह दे कि नहीं डायरेक्ट वारंट आता है, तो फिर ऐसी की तैसी। दूसरा ये है कि किसी भी पुलिस वाले के पास ये अधिकार नहीं है कि वो आपको फोन करके डायरेक्ट बोल दे कि आपको, आपके खिलाफ वारंट आया हुआ है और आप इस आदमी से बात कर लीजिए, उस आदमी से बात कर लीजिए। पुलिस के पास वारंट जब आएगा तो पुलिस अधिकारी उस वारंट की कॉपी लेकर के आपके दरवाजे पे जरूर जाएगा, या फिर अगर फोन करके आपको बुलाता है तो वो किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए आपको नंबर नहीं देगा। वो डायरेक्ट आपको कहेगा कि आपके खिलाफ वारंट आया है, आप अपने किसी एक अधिवक्ता के साथ या स्वयं आ करके अपनी बात कर लीजिए। अगर आपको पुलिस थाने से कभी भी फोन आए कि आप थाने पे आ जाइए, तो हमेशा याद रखिए, कभी भी अकेले मत जाइए, आप अपना एडवोकेट लेकर के जाइए, आप अपने साथ कुछ एक ऐसे दो व्यक्तियों को लेकर के जाइए जिनकी मौजूदगी में आपको उस पुलिस स्टेशन में उपस्थित होना है,
डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना है। पुलिस ने कहीं भी साइन करा लिया तो पुलिस के डर से साइन मत करिए। पुलिस केवल इन्फॉर्म आपको करेगी, वो जो वारंट होगा अगर आया भी होगा तो भी उसमें बेल हो जाएगी, उसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप रहते हैं मुंबई में और दिल्ली का कोई पुलिस वाला आपको फ़ोन करता है तो वो इल्लीगल होता है। बैंक का रिकवरी एजेंट आपको फ़ोन करके 7 दिन के अंदर में पैसे भरने की धमकी देता है और कहता है कि पैसा नहीं पेमेंट करेंगे तो आपके खिलाफ हम वारंट कटवा देंगे, वारंट इशू हो जाएगा, वो भी इल्लीगल है, इर्रेगुलर है, अमर्यादित है। इस प्रकार के कॉल्स का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि दिल्ली में रहने वाला पुलिस अधिकारी मुंबई में रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई भी केस नहीं कर सकता है, उसको वहां के लोकल पुलिस से बात करनी पड़ेगी। तीसरा इसमें इम्पॉर्टेंट है कि 7 दिनों के अंदर आप लोन नहीं पेमेंट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट वारंट नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जिस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा सीधा बैंक से अगर मुकदमा कोर्ट में हुआ है, यानी कि बैंक वाले ने कोर्ट में केस फाइल किया है, तो समन आएगा, आप इंतज़ार करिए। समन पे आप अपील होकर के अपनी बात रख दीजिए कोर्ट के सामने, तुरंत आपका मामला रफा दफा हो जाएगा, आपका केस चलेगा और बाद में भी सेटलमेंट हो सकते हैं। लेकिन डरना है, बिल्कुल नहीं डरना है, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा फाइल हो जाएगा, वारंट आ जाएगा, पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठी बातें हैं, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों में और इस तरह में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।